Son Goku! ऑलराइट तो कैसे हो मेरे सुपर सैयन दोस्तों, सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि पता है आपको कि रेड आ चुकी है और इस बार की रेड भी पुराने वाले रेड की तरह है। तो ये मुझे नया सिस्टम बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें ऑसम रिवॉर्ड्स हैं, बहुत सारे आपको मेडल्स मिल जाते हैं। तो ये भाई साहब बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये चीज़ को कंटिन्यू रखा और सबको भी अच्छा लगेगा ये चीज़ कि उन्होंने कंटिन्यू रखा। तो ये देख रहे हो कि जैसा कि ये है आपके बूस्टेड करेक्टर एज ऑलवेज जो एलएफ है नया वाला, उसी को बूस्ट कर रखा है वेजिटा को 100% इन्फ्लुएंट डैमेज। भाई साहब क्या ही है, अगर वो आपके पास नहीं है तो यार आपके पास ये तीन अवेलेबल है, रेडिस की को यूज कर सकते हो, एलएफ पिकलो को यूज कर सकते हो अगर पास जेनकाई है तो, या फिर ये पुराने वाले वेजिटा को यूज कर सकते हो। यार ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। या जैसे कि मैं फ्रीजा यूज कर रहा हूं, या फिर आपके पास कैप्टन गिन्यू भी है उसको भी यूज कर सकते हो आप। तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप देख रहे थे कि फ्रीजा बूस्टेड में नहीं है तो आप, मैं फिर भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। देखो आप क्या करो कि आप किसी फ्रेंड को पकड़ो, आप किसी डिस्कॉर्ड पे चले जाओ, वहाँ किसी को बोलो रेड करने के लिए, या किसी के पास वेजिटा है तो आप इससे क्या फास्ट तरीके से कर सकते हो। क्योंकि अभी भी वो इनवाइट वाला ही सिस्टम चल रहा है, अभी भी रीसेंड वाला नहीं है कि मतलब रीप्ले वाला सिस्टम अभी नहीं आया, तो बार बार इनवाइट भेजनी पड़ती है। तो अपने फ्रेंड के पास चले जाओ, किसी डिस्कॉर्ड में आ जाओ, या हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, वहाँ आकर आप किसी के साथ लगातार खेलना चाहते हो, जैसे 20 मैचेस 30 मैचेस तो आप साथ खेल सकते हो। तो यहाँ फटाफट मैं अपने गिल्ड मेंबर साथ खेल रहा हूँ, इससे ये भी होगा कि यार आपको पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलेंगे अपने गिल्ड के लिए और ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट अभी कलेक्ट कर सकते हो। तो फटाफट मैं अपने फ्रीजा साथ खेलूंगा, देखता हूँ यार कि मतलब कि कितना डैमेज कर पाता है हमारा फ्रीजा और ये वेजिटा भी कितना डैमेज कर पाता है। तो फटाफट चलते हैं यार और एक कोप करके देखते हैं इस बार का। और जहाँ तक मैं बात करूँ, आपने अभी देखा कि इन्होंने मतलब एक्सचेंज शॉप में क्या रखा है, एक्सचेंज शॉप में उन्होंने एक चीज़ बस ऐड कर दी है, वो है जीएसपी जो फ्रीजा एसॉल्ट ऑन द सैयंस वाला है उस बैनर का एक जीएसपी ऐड कर दिया। उसकी जो एक्सचेंज रेट आपने देखी थी वो कितनी थी, 50 थी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे वो जो वर्ल्ड वाला वर्ल्ड का जो आपका डैमेज होगा उसका उससे आपको मिल जाएगा, तो 50 करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो फटाफट देखो मैच स्टार्ट हो गया है और लेट्स सी कितना हमारा ये फ्रीजा ये यहाँ पर डैमेज इनपुट कर सकता है। ओके तो गाइस अगर चैनल पर पहली बार आए हो ना, प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, सपोर्ट आवर इंडियन डिविल कम्युनिटी, काफ़ी अच्छा लगेगा। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके पास कौन सा करेक्टर है जो आप यूज़ कर रहे हो रेड के लिए। तो फटाफट ये हो गया, नाइस ब्लू कार्ड, ओके ओके नाइस। तो जल्दी से राइजिंग रश फॉर्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, और हमने डुअल राइजिंग रश भी कर दी है। ओके स्ट्राइक चूज़ करेंगे हम, तो जो आपका कॉम्बो होना चाहिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जैसे कि हमने वैसे भी रेड का जो बॉस होता है बहुत वीक होता है, बहुत एक ही रेस में रश में ख़त्म हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे। ओके व्हाट भाई, क्या ये क्या था, ओ भाई 27 बार खत्म कर दिया ब्लू कार्ड से, ओ भाई ओवर पावर्ड ओपी यूनिट भाई इन्होंने बना दिया इसको, ये तो ऐसे ही बड़ा सोलो ही खत्म कर देगा भाई, कोप की जरूरत ही नहीं है। ओ भाई क्या था, 27 बार को ब्लू कार्ड से फिनिश कर दिया, वो भी एक्स्ट्रा कर सकता था, इससे ज्यादा भी कर सकता था। ओके नाइस कूल, पहले बार में 3 गिरे हैं ड्रॉप, तो नाइस यार, मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा लगता है कि सिस्टम किया है, ड्रॉप रेट में भी चेंजेस किए हैं, क्योंकि ड्रॉप रेट का यहाँ पर परसेंटेज तो नहीं दिखा उन्होंने डाला होता कि इतना है, बट 3 गिरा है तो लग रहा है कि कुछ अच्छा हुआ है। तो फटाफट चलो एक और कर लेते हैं और देखते हैं कि मतलब कि क्या ही सीन है। आपको भी उम्मीद करता हूँ कि आपका भी जो वो है काफ़ी अच्छा जाए, और अपने कोई अपने पार्टनर ढूंढ लो यार फटाफट करने के लिए, फास्ट तरीके से करने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी आपका यार कोप हो जाए और जितने भी रिवॉर्ड्स हैं सब कलेक्ट कर लो, क्योंकि कम से कम आपको सारे रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए कम से कम 40 से 50 मैचेस तो खेलने ही पड़ेंगे, 50 के अराउंड तो खेलना ही पड़ेगा शायद, ऐसे 40-50 है, मैंने काउंट नहीं किया है, लेकिन हाँ इसके ही आसपास है, तब जाके आप जितने सीसीज हैं वो कलेक्ट कर पाओगे। और जो वर्ल्ड क्लैश वाला रिवॉर्ड है वो तो मतलब जितना लोग खेलेंगे उससे आपको केवल जो करेजियस मेडल है वो मिल जाएगा, उसमें शायद एक सीसी भी है, बट जो मेन सीसी है वो आपको खुद से खेलना होगा, आपको 40 से 50 टाइम तो खेलना ही पड़ेगा उसको सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने के लिए बैटल वाले, और तभी जाके आपको पूरे सीसी मिल जाएगा। तो नाइस अच्छा लगा मुझे नया वाला रेड सिस्टम, अच्छा हुआ इन्होंने इसको कंटिन्यू भी रखा, मुझे तो काफ़ी बढ़िया आया, आप अपने ओपिनियन जरूर बता देना एक बार। ओके तो यहाँ पर फटाफट चलो एक राइजिंग मैच फॉर्म कर लेते हैं। ओके ब्लू कार्ड, ओके नाइस,
भाई ओ भाई हाँ ओके, इसमें थोड़ा कम हुआ वो जो राइजिंग रश वाला था वो भाई साहब वो गजब का था। यानी आपको डुअल राइजिंग रश फॉर्म करते हो वो ब्लू कार्ड उसको मिल जाएगा तो वो एक ही बार में क्लीन स्वीप कर दे रहा है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। तो ओके राइजिंग रश फॉर्म कर लिया हमने, नाउ वी डू राइजिंग डुअल राइजिंग रश। ओके 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 लेट्स सी इस बार भी उतना ही करता कि नहीं। वी चूज स्ट्राइक और स्ट्राइक चूज करते हैं हम। ओके नाइस ओके 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 लेट्स डू कमान 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 कमान। ओके ओके फ्रीजा ने कम से कम 5-6 मिलियन किया। ओके 5-6 मिलियन ओ एंड यस। तो वो करते हैं, आपको ये क्लियर, आपका ये रेट अच्छा लगा हो, आपको कैसा लगा रेट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता देना। और दूसरी चीज़ ये है भाई साहब, आपकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। जिन्होंने कर रखा यार सबको यार तहे दिल से यार थैंक यू यार, बहुत बहुत अच्छा लगता है सपोर्ट दिखाने के लिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए यार हम बाय बाय एंड टेक केयर।